आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। ऋषिकेश में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी पर्यटकों की कार, मची चीख पुकार, पुलिस ने किया रेस्क्यू। ऋषिकेश में पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी टूरिस्टों को रेस्क्यू किया। घटना में 4 घायल टूरिस्टों को एम्स में भर्ती कराया गया। उपनल कर्मियों की पड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर, अस्पतालों में मरीजों की लगी लंबी लाइनें। उपनल कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से उप जिला अस्पताल विकास नगर में स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा गई हैं, जिससे इलाज कराने आ रहे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मरीज इलाज के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। प्रेमिका काला सच आया सामने, पीछा छुड़ाने के लिए की थी किशोरी की हत्या, फिर शव को लगाया ऐसे ठिकाने। तपोवन में एनटीपीसी के बैराज साइड में दिखा लेपर्ड, दहशत में आए लोग, यहां स्कूटी सवार पर झपटा गुलदार। तपोवन में एनटीपीसी के बैराज साइड में लेपर्ड दिखने से स्थानीय लोगों में दहशत है। वन क्षेत्राधिकारी का कहना है कि लेपर्ड को ट्रेस करने के लिए ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। जबरन घर में घुसे, मिर्ची स्प्रे डालकर रेप की कोशिश, मारपीट के साथ की लूट, 8 के खिलाफ केस दर्ज। रामनगर में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल 2024 का आगाज, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया शुभारंभ। पर्यटन मंत्री सतपाल रामनगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 6 दिवसीय इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल 2024 में हिस्सा लिया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी बीच उन्होंने कहा कि 150 से अधिक नाटकों का प्रदर्शन और कार्यशालाएं संस्कार और संस्कृति को सशक्त करेंगी। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में खुलेगा आदर्श ओपन जिम, तैयार हुआ प्रस्ताव, जल्द जारी होगा जियो। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में आदर्श ओपन जिम तैयार करने की योजना पर काम जारी है, जल्द ही इससे संबंधित जियो जारी हो जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी दी। 38वें राष्ट्र खेलों की तैयारी में जुटी सरकार, सीएस बोली खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के विकास पर हो फोकस। जिंदल ग्रुप सोसाइटी भूमि आवंटन मामला, नया शपथ दाखिल करेगी राज्य सरकार। नैनीताल हाईकोर्ट में आज जिंदल ग्रुप सोसाइटी का कोरानीखेत के नैनीसार में सरकार द्वारा भूमि आवंटन करने के मामले में सुनवाई हुई। इसी बीच कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में फिर से नया शपथ पत्र देने का निर्देश दिया। हल्द्वानी हिंसा में जले वाहनों का मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम। हल्द्वानी हिंसा में उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए। ऐसे में इन वाहनों को इंश्योरेंस कैसे क्लेम किया जा सकता है, इसे लेकर सभी परेशान हैं। आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए क्या नियम और शर्त हैं। हरिद्वार नगर निगम में शुरू की गई पहल, पर्यावरण मित्रों की लगेगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों को खाली करना होगा सरकारी आवास, मिला आखिरी मौका, 7 मार्च तक का दिया गया वक्त। काशीपुर में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, सीआरसी में तैनात हेडमास्टर और टीचर को रिश्वत लेते किया अरेस्ट। बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा, सड़क पर पलटी सवारियों से भरी बस, मची चीख पुकार। बद्रीनाथ हाईवे पर उस वक्त यात्रियों में चीख पुकार मच गई जब अचानक से बस पलट गई। गनीमत रही कि बस खाई की तरफ नहीं पलटी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा रुद्रप्रयाग के पास हुआ। बताया जा रहा है कि बस में 30 से 35 लोग सवार थे, जिनमें से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेना की तैयारी कर रहे युवक पर 4 युवकों ने धारदार हथियार से किया हमला, फायर भी झोंका। हल्द्वानी हिंसा के आरोपी के पोस्टर हुए जारी, तस्वीरों में भी देखे सभी 9 वांटेड के चेहरे। जीपीएस की जांच को लेकर सड़क पर उतरा परिवहन विभाग, ऑटो विक्रम संचालकों में अफरा तफरी। पुलिस का मार्ग रेल, जहरीली गैस रिसाव की दहशत में आए लोग डीएम के पास पहुंचे, जांच में सामने आई वजह। डीएम ने किया निरीक्षण, रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे से अतिक्रम हटाने के निर्देश।
यात्रा व्यवस्थाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने गौरीकुंड हाईवे किनारे बने टीन सेट दुकानों और अन्य अवैध निर्माणों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। जल्द मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा यूसीसी विधेयक, पहले राजभवन में होगा परीक्षण।